नरेंद्र मोदी। काम बढ़िया कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, मेट्रो चालू करा दी उन्होंने, रोड बढ़िया करा दिए। बहन बेटियाँ चाहे आप कभी भी आती जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे काम अच्छे हैं उनके। नरेंद्र मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी जी होंगे आप। हमारे नरेंद्र में प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी। हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, सब सुविधा मिल रही है, सब चीज़ की पहले नहीं थी, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही, सब चीज़ मिल रही, सब सुविधा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं। पवन, पवन जी ये बताइए कि चुनाव है 2024 का, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। काम बढ़िया कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो कोई विपक्ष में कोई चेहरा नजर नहीं? सब सब ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या नरेंद्र मोदी ने काम कर दिया आप कह रहे हैं कि सब ठीक है? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। आगरा की बात की जाए तो आगरा में क्या बदलाव हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है? मेट्रो चालू करा दी उन्होंने, रोड बढ़िया करा दिए। बहन बेटियाँ चाहे आप कभी भी आती जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे काम अच्छे हैं उनके। महिलाएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं सर। कानून व्यवस्था बेहतर? बहुत बढ़िया। आगरा में जो मौजूदा सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, एक बार फिर टिकट उन्हें मिल गया है बीजेपी से, क्या लगता है कि आगरा में कौन जीत रहा है? वो जीतेंगे जी हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके का काम कर रहे हैं? वो तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण है वो तो, भगवान राम अगर मोदी है तो लक्ष्मण है जी। अच्छा, हाँ। बताइए जो एक्शन वो लेते हैं, जिस तरीके से गुंडों पर कार्रवाई करते हैं उस पर सवाल उठते हैं, क्या कार्रवाई करना सही है? उनका बहुत सही है कार्रवाई करना जी। तो आगरा की आम जनता से जब हम राय ले रहे हैं तो आपने सुना फूल व्यापारियों को, कुछ और लोगों से उनकी राय ले लेते हैं। सर क्या नाम है? नारायण सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी जी बना रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं बन पाएंगे वो, नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे और मोदी जी क्यों बनेंगे? मोदी जी की सत्ता चल रही है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया क्या है? सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। अनाज फल राशन दे रहे हैं फ्री, एक महीने में दो बार दे रहे हैं ना, दे रहे वो बढ़िया, सारा काम कर रहे हैं, और क्या देंगे। और ये बताइए कि आगरा में कौन जीत रहा है? आगरा में बघेल जो है एक बार फिर से उम्मीदवार बने हैं आपके मौजूदा सांसद। बघेल बने आपके? उनकी उनकी तो लहर चल रही है, वो तो उसी में जाएंगे। कि सांसद को वोट नहीं जाएगा, पीएम मोदी को वोट जाएगा। पीएम मोदी को वोट जाएगा। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के? उनके भी वोट जाएंगे उनके लिए। अच्छा। उनके लिए बढ़िया काम कर रहे हैं? वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल खत्म हो गई गुंडागर्दी। अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। भैया क्या नाम है, जरा दो मिनट दीजिएगा। अच्छा, बात कर रहे हैं, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी राय। अंकल क्या नाम है आपका? मैंने परमेश सिंह। परमेश जी ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं पूरे गठबंधन के साथ। अरे भैया, ये मोदी जाने राहुल गांधी जाने, हम जिसको वोट देंगे वो जाएगा नहीं। अच्छा, किसको वोट देंगे और कौन नहीं जाएगा ये तो हम बताएंगे नहीं। तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री ये नहीं बनना चाहिए बस, राहुल। अच्छा, मोदी नहीं बनना चाहिए, दूसरा कोई भी बन जाए। अच्छा, तो दूसरा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बीजेपी पार्टी के शासन में आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ तो बस बताइए क्या हो रहा है? एक तो रोजगार की समस्या बहुत कम हो गई है, लोगों के धंधे पानी कम है, काफी मतलब समस्या इस तरह की है। क्या चाहते हैं आगरा से, कौन जीते? अरे अभी जो खड़ा होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे ना, अभी तो ठीक है। चलिए अंकल से पूछ लेते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? लाल कन्हैया लाल। इधर को आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बताओ। ये बताइए चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बनेगा वो ही बनेगा, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी चाय पर चर्चा भी करते हैं, आप चाय बनाते हैं, क्या कहेंगे? हम भी चाय बनाते हैं, इसलिए मोदी जी के फैन है आप। हाँ। तो किसी और को मौका नहीं देंगे? किसी एक को दिया हम लोग शुरू से, हारे या जीते हमें कोई मतलब नहीं है इस बात को। लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे बस। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या पसंद है आपको? मोदी जी उससे पहले मोदी जी नहीं थे फिर भी देते थे हम। अच्छा, जब थोड़ी नहीं आ रहे मोदी जी जब ही देंगे हम। अच्छा, तो ये बताइए जाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैसा काम कर रहे हैं? अब मुझे नहीं पता भैया कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे।
कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है इन चुनावों को लेकर और किसे वो जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अंकल क्या नाम है हमारा? हाजी कलुआ। अच्छा अलवा जी बताइए, चुनाव है पता है? हाँ। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? अब देख हम कैसे कह सकते हैं, एक बार एक तरफ मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे गठबंधन के साथ है, फिर भी कौन बनना चाहिए आपकी तरफ से? भैया हमारे अपने विचार है, राहुल गांधी बेचारा उसे चांस मिल जाए, राहुल गांधी को चांस मिल जाए, सब मर गए बस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कैसा काम किया है? गरीबों के लिए ऊपर रहा है। हाँ गरीबों के लिए बढ़िया कर रहा है, इसी में वोट मिल रहा है। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं इसलिए वोट मिल रहा है। हाँ लेकिन आप बदलाव चाहते ना, गेहूँ अनाज सब कुछ मिल दे रहा है वो। हाँ। इसी में आदमी को हो रहा है। इधर को चेहरा करिए थोड़ा सा। हाँ ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अगर आगरा में बात की जाए, क्या कानून व्यवस्था बदली है, क्या गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्या समझते हैं? नहीं कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं है, कोई गुंडागर्दी कभी खत्म हो सकती है? तो कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं क्या वाले का काम? आगरा से किसे जिताएंगे आप? अब जो देखो किसका काम माना पड़े जब सामने आए, जब विचार बनाएंगे। हाँ मोदी जी गरीबों के साथ आप ये क्या? हाँ हाँ बदलाव भी चाहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल जरा इधर को सुनिए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह गुप्ता। अच्छा भगवान जी ये बताइए कि 24 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी बन रहे हैं। क्यों? काम बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, क्या बढ़िया काम आगरा में हुआ है जो आप? सब लड़ाई दंगा दंगे बाजार सब खत्म हो गए। तो आगरा में स्थिति बदली है? बहुत बदल गई। तो आगरा में अगर बात की जाए तो आगरा में कौन जीत रहा है? एक तरफ आपके सांसद जो हैं मौजूदा उन्हें टिकट मिला है बीजेपी से, और अभी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, कौन जीतेगा? मोदी की सुनते हैं। अच्छा बीजेपी जीतेगी, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर 2 मिनट दीजिएगा, जरा थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि आप फूलों का व्यापार कर रहे हैं, पहली बात तो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि 24 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं वो, मोदी जी। हाँ जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी सब सुविधा मिल रही है। हाँ। सब चीज़ की पहले नहीं थी। हाँ। बुजुर्गों को पेंशन मिल रही, सब चीज़ मिल रही है, सब सुविधा है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री? ऐसा युवा है, हमें योग नहीं लगता। हाँ आप समझते हैं कि मोदी के जो 10 साल का शासन है उसमें बड़े बदलाव हुए हैं जो पिछले 60 साल में कांग्रेस? कानून सख्त हैं, पहले लड़ाई झगड़े हो जाते थे, हाल बहुत आज कुछ नहीं है। बहुत बदलाव, बहुत सुविधा है, महिलाओं को सुविधा है, ऑनलाइन से भी सुविधा है। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कैसा कार्यकाल चल रहा है, कैसा काम? बेस्ट चल रहा है। अच्छा तो ये बताइए गुंडागर्दी वगैरह कानून व्यवस्था कैसी है? बढ़िया चल रहा, कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, और फिर गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है तो आगरा से अगर बात की जाए तो आगरा से कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? सर वही दीपक चार हैं, वही जीतेंगे और क्या। ठीक है चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं इन चुनावों को लेकर। तमाम लोग यहाँ पर हैं, आगरा की आम जनता की राय हम ले रहे हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम और यहाँ पर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा दीनानाथ नाम है। दीनानाथ जी ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो मैडम वही जाने, पूरा जनता जाने तभी बता सकते हैं। नहीं आप बताइए, आप प्रधानमंत्री एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मैडम हम क्या बताएं उसमें, अभी मैं सबसे राय लूंगी। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा काम किया है प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या करना है?